वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा वीडियो होने वाला है पपाया शेक के ऊपर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने कितने गिलास पपाया शेक बनाया और इसके लिए कितना पपीता यूज़ किया, कितना दूध यूज़ किया, कितनी चीनी यूज़ हुई। तो पहले ले लेते हैं पपीता। तो मैंने मीडियम साइज़ पपीता ले लिया है। पहले वेट कर लेते हैं इसका। तो इसका वेट है जी 930 ग्राम। तो 930 ग्राम पपीते से हमें खाने को कितना मिलेगा वो देखते हैं। तो पपीता मैंने पीसेस में कट कर लिया है। पीस निकालने के बाद ये जो वाइट सी लेयर रहती है ना ऊपर से, इसे भी हटा देना, इसे फेंक देना है और फिर पीसेस कट कर लेने हैं। तो ठीक, मैंने भी कर लिया है ऐसे ही। और अब देखिए, आप जो पपीता कट होकर अलग हो चुका है और जो छिलके हैं वो गाय के लिए हो चुके हैं, ये हमारे लिए राइट साइड वाला। तो वेट वाइज ये है 510 ग्राम के आसपास था, पर चलिए 500 ग्राम ही मान लेते हैं। और 750 ml मैंने दूध ले लिया है। चिल्ड मिल्क है, इनके मैंने फ्रिज में पहले से ही रख रखा था। तो अब इसे डालेंगे मिक्सी के बोल में, मतलब जार में। तो पपीता डाल देंगे, दूध डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे बूरा शुगर। तो मैंने इसमें 3 टेबलस्पून बूरा शुगर डाली है। और अगर आप चाहें तो इसमें बनाना भी डाल सकते हैं, तो बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। क्योंकि मैं कई बार बना चुकी हूँ बनाना डालकर, लेकिन आज सिर्फ पपीते का ही बना रही हूँ। तो अब देखते हैं, शेक तैयार हो चुका है। शेक का टेस्ट कैसा है, मतलब टेस्ट भी तो हम ही चेक करना है। तो मैं देखकर बताती हूँ। अच्छा बना है और बहुत ही अच्छा बना है, मतलब बहुत ही स्वाद बना है। तो पोर कर लेती हूँ, ऐसा ना मैं टेस्ट करते करते ही पी जाऊँ। फिलहाल मैंने 5 गिलास ले लिए हैं, देखते हैं कितनों में पोर होता है। तो 3 फिल हो चुके हैं, चौथा भी भर चुका है, लेकिन 5वें का नंबर नहीं लगेगा, इसे हम हटा लेते हैं, अच्छा नहीं लगेगा खाली गिलास। तो 4 गिलास पपीते का शेक बन चुका है और इसे करेंगे थोड़ी सी गार्निशिंग इसकी पिस्ता से। तो देखिए, 4 गिलास पपाया शेक आपका बन चुका है और हो चुका है पीने के लिए तैयार। लेकिन अगर आप इसमें बनाना भी डाल देना तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। बताइएगा कैसा लगा और ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।